हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और शाम के बज गए हैं, 8 बजने वाले हैं। आज हमको जाना था बाहर खाना खाने। मैंने बोला था इनसे कि आज तो कुछ बाहर खिला के लेके आओ। मौसम अच्छा हो गया था, दिन में बारिश हुई थी, तो बस ये बोले ठीक है रेडी हो जाना। और जैसे ही रेडी होने लगे वैसे बारिश स्टार्ट हो गई। हमने सोचा होगी 5-10 मिनट होगी, आधा घंटा होगी, लेकिन वो तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। बहुत फिर लेट हो गए, फिर उन्होंने बोला छोड़ो रहने दो, अब बाहर क्या खाएंगे। तो आज का प्लान तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। और बच गए हैं 8, और अब बना रही हूँ खाना। चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ। यहाँ मैं दाल बनाने की तैयारी में हूँ। यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया था, कुकर थोड़ा गर्म हो गया था तो उसमें तेल डाल दिया। और अब जब तक तेल गर्म होता है उसमें मैं जीरा ढूंढ लेती हूँ। मेरा जीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने दूसरे डब्बे में रखा हुआ जीरा, तो बस अब तेल गर्म हो जाए तो फिर जीरा डालते हैं। ये मुझे कुछ कह रहे थे तो मैं उसका जवाब दे रही थी। यहाँ में तेल गर्म हो चुका है तो मैं बस जीरा डाल दूँगी। और प्याज वगैरह मैंने काट लिए थे तो जीरा मेरा तड़क गया है, तो अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और एक हरी मिर्च भी डालूँगी। आज मैंने बनाई है काली दाल, उनको बहुत पसंद है काली दाल। तो मेरे कुकर का हत्ता टूट गया तो मैं कुकर ही चेंज करूँगी, ये बहुत पुराना भी हो गया है तो मैं इसे चेंज करने वाली हूँ बस। और यहाँ मेरी गैस को मैंने तेज़ कर दिया है कि फटाफट प्याज हो जाए। और जब तक प्याज होंगे जब तक मैं टमाटर में मसाला वगैरह डाल दूँगी। मैं टमाटर भी ढूँढ ली थी, मैंने काट के इतना नहीं खा रख दिया था। आज तो सारा मूड ही ऑफ हो गया था। पहले तो बाहर प्लान था जाने का, तो फिर बारिश के कारण कैंसिल करना पड़ गया। तो आप जानते हो ना, जब कैंसिल हो जाता है तो फिर मूड तो थोड़ा अपसेट होता ही है। वे मन से ही बना तो रही थी खाना, मन से ही बन रहा था मेरे से, क्योंकि पूरा मूड बाहर जाने का था, फिर भी मैंने बना लिया। मतलब सिंपल दाल रोटी बना ली, तो मैंने दाल रोटी बना ली जो फटाफट बन जाए। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है, अब मैं इस मसाले को मैं डाल दूँगी प्याज में। तो मेरे प्याज हुए नहीं है तो इनको थोड़ा और ब्राउन कर लेती हूँ। और यहाँ मुझे इन्होंने बुला लिया था काम से तो मैं बाहर आ गई थी। आज ये देखो इन्होंने मेरी वॉशिंग मशीन जो मैंने दिखाई थी ना आपको, तो भी उसका पाइप टूट गया है, तो बस वही कर रही थी। और फिर अभी पीछे वीडियो के बीच में आ रही थी, मैं कह रही थी कि उनसे मत आओ, पर छलू छल के बीच में आ रही थी। और यहाँ पर मैंने एक बार और संभाल लिया था अपनी दाल को, मैं उसको डैडी जो जो सब उसे लगे हैं पाइप चेंज करने में। और ये देखो दीवा के बीच में कैमरा लगता है, तो बस ये अपनी स्टाइल स्टार्ट कर देती है। वीडियो को बार बार भाग के जा रही है। और यहाँ इनका कुछ पेज भूल गया था, जो उसको भूलने में बुलाया था मुझे कि इसको भूल पेज पर खा गया कौन से टाइम के लिए, बस वही भूल गई थी। और मैं इसको पूछ भी रही थी, मैंने कही तुमने ये काम कहाँ से सीखा, मैंने कहा मैंने बचपन से ही सीख लिया था। छोटे मोटे काम तो यही करते थे मेरे इलेक्ट्रॉनिक के, पहले भी डूबे गई थी मशीन थोड़ी दिन पहले, तो मैंने काट दिया था कुछ तार, उन्होंने फोन करके तार को जोड़ दिया। मैं कहते मिस्त्री कहते हो कहते उसको तो ये ठीक कर देते, मेरी छोटी मिस्त्री है हमारे घर के, फटाफट ये कूलर भी अभी तारी में चेंज कर दिया था। और यहाँ मैं कैमरा सेट करके इन्होंने लगा दिया है, सेट कर दिया है इसको। आपको एक ब्लॉग में तो मैंने दिखाया था कि दोनों बच्चों ने मिलकर के अलमारी में से एक धागा लेके आना ग्रीन वाला, बस आज लेके आए थे ये। बहुत दिन से कह रही थी मैं इनको, भूल जा रहे थे, फिर आज तो ये फाइनली लेके आ गए हैं। लग गया बिल्कुल, मैंने लगा दिया है इस पाइप को। और बस मैं इनकी रकम से हंसी मजाक कर रही थी, उसी का जवाब दे रहे थे ये। और देख रहे थे कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और कहाँ से सीखा आपने ये काम करना, कहते इसका ड्रायर भी सही कर दो, तो इन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, अब गर्मी जा रहा है बाद में करूँगा। यहाँ चेक कर रहे थे ये, कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
बस यही चलता है घर गृहस्थी में, तो कभी कुछ भी करता है कभी कुछ होता है। ट्राइपॉड भी मैंने सही कर दिया चिपका के, अभी तो उसी से काम चला रही हूँ, देखते हैं कब तक चलता है मेरा ट्राइपॉड। बता दो एक बार कहाँ से सीखा? कह रही थी कि सफाई कर दूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो, बरसात से उमस बहुत हो गई है। अच्छा, मैंने नहीं रहने दो आपको, पाइप थोड़ा ढीला लंबा है, गली का गेट बंद करना। तो बेटा उन्होंने बोला इसको मैं बांध देता हूँ, इसको तो मत ही छेड़ मैंने को पूरे अपने औजार खोल के बैठे हैं, एक थैला ही बना रखा है हमने चीज़ों का, ये कुछ भी होता है तो हम उसमें डाल देते हैं, फिर फटाक से उसमें से निकाल लेते हैं। ये तो ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं, फिर घूम भी जाता है और मिलता भी नहीं है टाइम पर। बस ये यहाँ बांध रहे थे, मुझे याद आया कि मैंने उनको, मैं फटाफट रसोई में भागी। यहाँ मेरा मसाला पक के रेडी हो गया था, जब तक मैंने उनकी बाहर मदद करी तो अब बस इसमें दाल डाल दूँगी फटाफट धो करके, मैंने धो रखी थी दाल को, भिगो रखा था, अब इसमें दाल डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके, और इसमें सीटी लगाई थी मैंने 3-4, ये 3-4 सीटी में पक जाती है, बढ़िया घुल जाती है। तो बस अब दाल बनने को रेडी है हमारी, और जब तक फिर मैंने आटा लगा लेती हूँ मैं, जब तक दाल की सीटी लगेगी जब तक मेरा आटा गूंज जाएगा, उसके बाद फिर रोटी बनाते हैं। तो यहाँ बस पानी डाल दिया था, थोड़ा कम लग रहा था मुझे पानी, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाला, यदि कम रहता है तो दाल जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो मैंने थोड़ा पानी डाला। आज हमारे आर ओ में भी पानी नहीं था, आज मैं आर ओ चलाना भूल गई थी, तो फिर आर ओ में पानी नहीं था, तो आज लेके आई बिसलरी का कैन। और यहाँ बस दाल हमारी पकने को रेडी है, मैंने ढक्कन लगा दिया है कुकर में, अभी सीटी 2-4 सीटी बजेगी इसमें, जब तक हमारी दाल पक के रेडी हो जाएगी। और यह मैं फटाफट रोटी बना रही थी, रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ मैं, और बस बनाते बनाते सासू माँ को भी खिला दिया था मैंने, मुझे लगा कि गरीब आने वाली है तो मैं पीछे मुड़ के देख रही थी। और यहाँ मेरी रोटी सीख चुकी है, खाना बन चुका है, सासू माँ को खिला दिया है गरम गरम, अब बस अब हम लोग भी खाना खाएंगे। तो बाबू का मैंने खाना बना दिया है, और अब हम खा करके जब तक वो ठंडा होगा तब तक बाबू खिला दूंगी, जब वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पर मैंने दही के लिए दूध गर्म कर लिया है, अब बस दही जमाएंगे, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो जामुन डालेंगे इसमें। और ये दूध, आज संडे है तो संडे को हमारे यहाँ थोड़ा दूध ज़्यादा उठ जाता है, तो मैंने दोबारा दूध मंगाया है, तो अब ये गर्म होगा जब तक। उससे मैं फ्री हो चुकी हूँ, बस अब ये दूध गर्म हो जाए उसका वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करूँगी और फिर सोएंगे। बारिश हुई थी लेकिन उमस बहुत कर गई है, आज हुई तो थी मन लायक बारिश, 1 घंटा हुई थी, खूब झमाझम हो गई थी, पर उमस बहुत ज़्यादा है। तो बस अब इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ओके, थैंक यू।